नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉइन का, जो कि नेक्स्ट 2 वीक्स से 3 वीक्स में जिनका जो प्राइस है वो अप होने वाला है, और जो भी मार्केट का एनालिसिस है, चार्ट है, ग्राफ है, उसके बारे में काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये जो नेक्स्ट जो कॉइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी प्रॉफिटेबल कॉइन रहेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट जो 5 कॉइन है जो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो, और सेफ ट्रेडिंग कीजिए आप, ओनली यूज़ 10% ऑफ मनी, डोंट यूज़ होल मनी। ओके दोस्तों न्यूज़ है नेक्स्ट NXT कॉइन के बारे में। NXT कॉइन में क्या है कि 25 दिसंबर से पहले अगर आप NXT कॉइन को होल्ड करते हैं तो आपको उसके हाफ इग्निस कॉइन मिलेंगे, जो कि बिट्रक्स पर लिस्टेड होने वाला है 25 से 28 दिसंबर में। ठीक है, और 28 दिसंबर को इनका एक बिग इवेंट है। ठीक है, और जो इग्निस कॉइन है उसकी ट्रेडिंग ऑलरेडी हिट BTC पर चल रही है। नेक्स्ट कॉइन है डीजीबाइट का जो प्राइस है वो काफ़ी टाइम से डाउन था, अभी इसका अप होने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की गई है, जैसे कि इसका फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन 560 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, अपबिट बाई यू कॉइन INR एक्सचेंज और कराकरेन, और 3 से 4 एक्सचेंज पर यह लिस्टेड हो चुका है, और उबेर और अमेजन से इसका टाइप हो चुका है। डिजीबाइट टोटली सेंट्रलाइज कॉइन है, बैंकिंग कॉइन है, बैंकिंग सेक्टर का कॉइन है, तो आने वाले टाइम में इसका प्राइस बढ़ने के आसार है। नेक्स्ट कॉइन है वर्ज कॉइन XVG। XVG का जो टेक्निकली चीज़ें हैं वो काफ़ी इंप्रूव हुई है इसमें, और इसका पे एज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इसका पे एज ऑनलाइन जो पेमेंट का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर यह एक्सेप्ट होने लग गया है, तो उसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। और जॉन मैकेफी ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है ब्लॉग के अंदर कि इसका प्राइस काफ़ी अप होने वाला है, और 55 सतोसी से लेकर के इसका प्राइस 448 सतोसी तक जा चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कॉइन है रिपल। रिपल के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिपल का जो कॉइन है उसका प्राइस भी अभी बढ़ने वाला है, काफ़ी टाइम से ये भी डाउन चल रहा था, और रिपल का टाइप भी कुछ काफ़ी कंपनीज से हुआ है, जापान में बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी इसका टाइप हो रखा है, जिसकी वजह से अमेजन उबेर वहाँ भी इसका टाइप हुआ है, और रिपल का जो प्राइस है वो बढ़ने के आसार हैं आने वाले टाइम में। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट कॉइन बता रहा हूँ मैं ईथेरियम। ईथेरियम का प्राइस अभी $722 चल रहा है, जो कि आने वाले टाइम में अप हो सकता है, $820 तक जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा जो लास्ट मैंने वीडियो बताया था उसके बारे में कि पिछले जो 5 कॉइन मैंने बताए थे उनका क्या पोजीशन रहा है। ठीक है, पिछले 2 वीक से 3 वीक के भीतर तो BCC कॉइन बताया था दोस्तों मैंने, उस टाइम BCC कॉइन का रेट $1400 था, $14। ठीक है, $1400 था, और कल रात को इसका जो प्राइस है वो 0.29 तक बढ़ चुका है, और करंट प्राइस इसका $3190 है, और $3700 के आसपास इसका प्राइस जा चुका था, उस टाइम $1400 था। तो दोस्तों अगर आपने बाई किए होंगे, होल्ड किए होंगे, तो यहाँ से इस कॉइन से आपको प्रॉफिट मिला होगा। नेक्स्ट कॉइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ BCHG। अभी इसका जो प्राइस है वो डाउन हो रहा है, तो अभी आप इसको बाई मत कीजिए, ठीक है, लॉस में रहेंगे अगर आप बाई करेंगे तो। ठीक है, जो मेरा जो सेकंड कॉइन था दोस्तों, सेकंड कॉइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब, EMC2 कॉइन। इस कॉइन का रेट भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, और अभी यह डाउन में है, और इसका रेट अभी अगर आपके पास है तो उसको होल्ड कीजिए, इसका रेट भी अब होने वाला है, और इस कॉइन का जो प्राइस है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है, जैसे कि लास्ट प्राइस आप देख रहे हैं 15501 सतोसी है, उस टाइम 13000 के आसपास था। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट कॉइन की बात करेंगे इथेरियम क्लासिक कॉइन के बारे में। इथेरियम क्लासिक का जो कॉइन है उसका रेट, उसका जो फोर्क है वो 11 से 12 दिसंबर के बीच हो चुका है, अभी रेट है $37, उस टाइम रेट था $14। ठीक है, इसका जो फोर्क ऑलरेडी हो चुका है, और हाईएस्ट प्राइस $40 से ऊपर ही है, टच कर चुका है, अभी $37 चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन था मेरा इलेक्ट्रोनियम। इलेक्ट्रोनियम का कॉइन का प्राइस भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, 995 सतोसी तक जा चुका था, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट इसने 735 सतोसी टच किया था, अभी करंट प्राइस इसका चल रहा है, और आने वाले टाइम में जनवरी का एक्सपेक्टेड है इसका कि $0.5 से $1 के बीच इसका प्राइस जा सकता है। उसके बाद लास्ट कॉइन था ओजिन कॉइन। ओजिन कॉइन का अभी जो प्राइस है वो थोड़ा सा डाउन है, और इसका प्राइस भी अप हो चुका था 250 सतोसी तक, और आने वाले टाइम में इसके अंदर एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल कुछ आने वाले हैं, उसमें मोबाइल रिचार्ज वगैरह ओजिन कॉइन में, तो आने वाले टाइम में ओजिन कॉइन का जो प्राइस है वो भी बढ़ने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे
नेक्स्ट 2 वीक्स के और 3 वीक्स के कॉइन के बारे में। XVG जैसा कि जोन मैकोफी का जो स्टेटमेंट आया है उसके बाद से इसका जो प्राइस का देख सकते हैं आप, ग्राफ देख सकते हैं कितना इसका प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है वो चल रहा है ग्राफ के ऊपर। जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं यही इसका जो प्राइस जब जब इंक्रीज हुआ है तब तब है, और 485 कल रात को इसका जो प्राइस है 485 सतोशी जा चुका है, और इसका जो प्राइस का बूम है वो 55 सतोशी से स्टार्ट हुआ था, 55 सतोशी से, ठीक है। और आने वाले टाइम में इसका प्राइस बढ़ सकता है, 700 या 800 सतोशी के आसपास जा सकता है, तो उस कॉइन में भी आप सेफ ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन है NXT कॉइन। जैसा कि 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक अगर आप NXT कॉइन को होल्ड करते हैं तो आपको उसके हाफ कॉइन मिलेंगे इग्निस टोकन, जो कि लिस्टेड हो रहा है बिट्रक्स के ऊपर, ठीक है दोस्तों। इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी अप जा चुका है NXT कॉइन के बारे में, और इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, छोटी छोटी ट्रेडिंग इसमें भी कर सकते हैं, प्रॉफिट उठा सकते हैं आप यहाँ से भी। NXT कॉइन का जो फ्यूचर है आने वाले टाइम में भी अच्छा खासा बूम रहेगा इसमें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कॉइन बता रहा हूँ मैं ईथेरियम। आने वाले टाइम में ईथेरियम का प्राइस दिसंबर या जनवरी के आसपास 822 तो डॉलर अभी टच कर चुका है, और आने वाले टाइम में इसका प्राइस $1,000 के आसपास जा सकता है जनवरी एंड तक, ठीक है। तो और ईथेरियम का जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, और हो सकता है ये अभी 700 से तो उसके आसपास टच करे। नेक्स्ट लिटकॉइन। लिटकॉइन का प्राइस भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, $320 पिछले 3 से 4 वीक, $90 से 320 से ऊपर तक जा चुका है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद डीजीबाइट कॉइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी टाइम से 4 महीने से यह कॉइन सोया हुआ था, तो अभी यह जाग गया है, क्योंकि इसमें टेक्निकली चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई हैं। अगर टेक्निकली चीज़ें आपको देखनी है तो जो मेरा डीजीबाइट के ऊपर वीडियो है, लास्ट वीडियो जो बनाया था वो उसको आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या टेक्निकली इंप्रूवमेंट हुआ है। और इसका प्राइस का प्रिडिक्शन दोस्तों 247 हाईएस्ट सतोशी टच कर चुका है। आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 700 to 800 के आसपास जा सकता है आने वाले टाइम में जनवरी तक, ठीक है। तो जितने भी कॉइन हैं उनमें आप सेफ ट्रेडिंग कीजिएगा इस, और आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों। तो आप सेफ ट्रेडिंग कीजिए, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत कहीं भी नहीं है, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।